क्या मैं एपिसोड सेवन में आप से दिल से स्वागत कर रहा साथ पोपट हो, हो गया ज्यादा ही हो गया था और मेरा आवाज एक भी मतलब थोड़ा सा भी नहीं सुनाई दिया था गाइस थोड़ा सा भी नहीं सुनाई दिया था अगर मेरा आवाज ही आप लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तो कैसे चलेगा ना गाइस तो इसलिए वो एपिसोड मैंने डाला ही नहीं लेकिन गाइस मुझे फायर बैच मिल चुका है लेट मी शो यू गाइस एक मिनट दिखा देता हूं गाइस कहां पे दिखाते हैं गाइस आई थिंक ये पोकी पोकी डेक्स पे क्यों दिखा रहा हूं यार पोकी डेक्स पे थोड़ी ना होता है गाइस आई थिंक इट इज अवेलेबल इन माई लीग कार्ड हाँ लीक कार्ड में होगा हाँ देख सकते हो गाइज ये देख सकते हो गाइज मेरे पास अभी तीन बचेज हैं फायर फायर जिम लीडर कबू कबू बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिम लीडर था ठीक है मुझे आप लोग को ये दिखाना था एपिसोड दिखाना था कि कैसे मैंने कबू के साथ फाइट किया इट वॉज अ वेरी अमेजिंग बैटल बहुत बढ़िया लगा गाइस एंड अभी आप लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हो पोकीमान ऑफ अप टू लेवल फिफ्टी विल लिसन टू तो दिस ट्रेनर्स रिक्वेस्ट एंड ट्रेनर कैन कैच ऑफ अप टू लेवल थर्टी मतलब लेवल 35 के पोकेमान को भी मैं अभी पकड़ सकता हूँ ठीक है आराम से पकड़ सकता हूँ एंड गाइस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले लेट मी शो यू माय पोकीमॉन टीम ठीक है पोकेमॉन टीम को दिखा देते हैं कि मेरे पोकेमॉन टीम में अभी क्या क्या चेंजेस हो गए देख सकते हो शेल्डर फेंटेड शेल्डर का फेंटेड ओ अभी जस्ट मैंने खेला था ना ओके ओके शेल्डर फेंटेड हो गया बिछा लेकिन शेल्डर का अभी आप लोग ये देख पा रहे हो लेवल ट्वेंटी का हो गया एंड गाइस ये देखो गाइस मेरा कारकोल बन गया है अभी कोलोसेल मेरा प्यारा सा रोली कोली जो था अभी वो बन के एकदम फाइनल इवोल्यूशन भी ले लिया गाइस कोलोसेल एंड देखने में काफी असम लग रहा है ना गाइस आप लोग को एक चीज लग रहा है कि नहीं आप लोग दिल से बोलिएगा ठीक है आप लोग दिल से ये बोलो कि ये थोड़ा सा मैगमार और राइडॉन का मिक्स जैसा लग रहा है ना मैगमोटर का थोड़ा सा शेप बॉडी शेप ऐसा है ठीक है एंड थोड़ा सा राइडॉन मिक्स भी लग रहा है क्योंकि ये ग्रेस कलर का है ना एंड गाइस ही इज ए गाइस रॉक एंड फायर टाइप पोकेमन

उसको हम लोग यहाँ पे कलर रीजन में बुलाते हैं गैलो पा गाइज मेरे को ये चीज एकदम पता नहीं था आई स्वेयर स्क्स मेरे को पता नहीं था एंड गाइस कोरवी स्क्वायर लेवल 34 का हो गया एंड आई थिंक आज आप लोग देखने वाले हो मेरे कोरवी स्क्वायर को बदलते हुए कोर्वी नाइट में ठीक है एंड गाइस हॉन्टर को देख सकते हो गाइस लेवल थर्टी का हो गया एंड वो भी आज गैंगार में बदलने वाला है तो गाइस चलो ओ और एक चीज दिखाई देते हैं साथ ही साथ और एक चीज दिखाई देते हैं मेरे बॉक्स में अभी कौन कौन से पुके मैंने आप लोगों ने इन सब पोकमेंट्स को तो देख लिया वेलरेन well को देख लिया डिक्टो को देख लिया एल को मैंने खुद से पकड़ा था डॉटलर रेजी स्टील एंड रियोलो रियोलो को हम लेंगे लुकारियो भी बनाएंगे लेकिन अभी तो सिर्फ लेवल 50 के पोकेमन से मेरे बात सुनेगा ना तो इसलिए मैं इसको भी बॉक्स में डाल के रखा हूँ ठीक है रेजी लेक्की ये सब तो मेरे को ट्रेडिंग में मिला है ठीक है ये सब सारे के सारे मेरे को ट्रेडिंग में मिले हैं ठीक है थीके? बाकी टॉर्कोल है गाइज़ आप लोग देख पा रहे हो एंड गाइज बहुत लोग बोल रहे थे कि मोरग्राम को इसका नाम अभी पार्कर सेट करके रखा है जिस ट्रेनर से मैंने लिया था ट्रेड में उसने इसका नाम पार्कर सेट करके रखा है बट गाइस हिज नेम इज नॉट पार्कर इसका ओरिजिनल नेम प्रोग्राम है ठीक है और इसका इवोल्यूशन फॉर्म का नाम मैं भूल गया लेकिन ये एक गाइस फेरी आई थिंक ये डार्क फेरी टाइप का है लेट मी चेक गाइस आई थिंक ये डार्क फेरी टाइप का है यस गाइस एक डार्क फेरी टाइप गाइस आप लोग खुद ही सोच सकते हो डार्क फेरी का कॉम्बिनेशन काफी ऑसम awesome है गाइस काफी ऑसम एंड ओरिजिनल ट्रेनर कैमरून ठीक है कैमरून से मिला था ये मेरे को एंड इस पोकेमान को मैं अभी ले सकता हूँ ले ही लें क्या गाइस लेकिन मेरे टीम में अभी सारे के सारे पोकेमान्स मेरे को अच्छे ही दिखाई दिखा दे रहे सिवाय गाइस मेरे पास अभी एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमान नहीं है गाइस मेरे पास पिकाचू है इसको ले लो क्या गाइस लेकिन पिकाचू को लेंगे गाइस पिकाचू को लेंगे मेरे पास अभी दो चॉइसेस हैं ठीक है इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमान के लिए मेरे पास दो जैसे या फिर मैं टॉक्सल को थोड़ा बहुत अपग्रेड करके इसको ले सकता हूं लेकिन गाइस ये लेवल वन का है तो आई डोंट थिंक सो कोई मतलब बनेगा क्योंकि टॉक्सल आई नो गैस टॉक्सिसिटी में बदलेगा काफी शक्तिशाली प्रमान है लेकिन गैस लेवल वन से फिर कर सकते हैं गाइस धीरे धीरे करके कर सकते हैं ठीक है इसको अपने टीम में रखेंगे तो इसको एक्सप्रेसियर से पॉइंट मिलता रहेगा अब करेंगे गाइस आप लोग बोलो कि मुझे पिकाचू को रखना चाहिए कि टॉक्सीटी को रखना चाहिए या फिर गाइस कोई और पुकेमान को तो चलो गाइस ये सब तो हो गया अभी चलो पोकेमान दुनिया में फिर से चलते हैं गैस अपना एडवेंचर कंटिन्यू करते हैं एंड गाइस आप सभी को एक चीज़ तो पता है ना कि अभी रिसेंटली कल ही रिलीज हुआ है गाइस पोकेमान सीक्रेट ऑफ द जंगल वहाँ पे एक नया पोकेमान शो कर रहा था गाइस जाडूड जो कि बहुत ही औसम एंड बहुत ही पावरफुल पोकेम है जारूर अरे बाप रे क्या ही औसम फिल्म था गाइस मैंने कल पूरा रात भर देखा वो फिल्म मजा आ गया गाइस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर से उस फिल्म को चेक कर लेना बिकॉज ऑफ द ज़ंगल बहुत ही एक कमाल का फिल्म है आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ओके ओह गाइस वहाँ पे निन्जैक्स है एंड आई थिंक यंजैक्स थोड़ा सा हाई लेवल का हो सकता है लेट मी फाइंड आउट गाइस लेट मी फाइंड आउट ठीक है देखते हैं इस निन्जैक्स का लेवल कितना है क्योंकि मेरे को ये पकमन काफ़ी अच्छा लगता है ये काफ़ी स्पीड वाला पकवन है इस पुकेमन के पास बहुत ज़्यादा स्पीड है ठीक है लेट मी चेक हिस ओ निन्जैक्स लेवल फिफ्टीन का ही है तो चलो गायस निन्जैक्स को उड़ा सकते हैं ठीक है आ, फ्लेम चार्स यूज़ करते हैं अगर थोड़ा हाई लेवल का होता तो मैं इसको पकड़ लेता लेकिन मेरे पास लेवल फिफ्टीन का निन्जैक्स ऑलरेडी था गाइस मैंने उसको ट्रेड कर दिया लेकिन ठीक है ओके कोलोसेल फ्लेम ओ ओपी गाइस आप लोगों ने देखा ना कोलोसेल काफी बड़ा पुकेमान है ओके 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 बडी गाइस ये स्टीलिक्स है कितने लेवल का हो सकता है लेट मी फाइंड आउट गाइस अगर स्टीलिक्स ये कम लेवल का होगा तो डेफिनेटली आई कैन कैच हिम गाइस थर्टी फाइव से कम होना चाहिए लेकिन थर्टी फाइव से ऊपर होगा तो आई कैनोट कैच हिम गाइस देखते हैं गाइस लेवल फिफ्टी का है नहीं पकड़ पाएंगे गाइस बट गाइस इसको उड़ा पाएंगे गाइस इंसिनरेट से इसको उड़ा पाएंगे देखते हैं मेरा कोलोसेल इसको उड़ा पाएगा कि नहीं ओके okay, गाइस ये डिग यूज़ कर रहा है गाइस कोलोसेल के ऊपर डिग बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा फटका पड़ने वाला है कोलोसेल के ऊपर बिकॉज ही इज ए रॉक फायर टाइप ठीक है तो क्या करें गाइस क्या कर सकते हैं अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं गैस फटका तो पड़ने ही वाला है गाइस फटका तो पड़ने ही वाला है तो एक काम करते हैं गाइस मैं इंसिनरेट ही यूज़ करता हूँ गाइस वो तो आएगा ही ना देखते हैं गाइस वन शॉट में मारेगा शायद से ए भाई वन शॉट में उड़ा दिया गया ना मेरे को यही बात का दर्द था गाइस मेरे को यही बात का दर्द था गाइस अरे यार स्टिलिक्स काफी स्ट्रांग है गाइस लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस आप सभी भाइयों ने एक चीज़ नहीं देखा है और वो चीज़ है गाइस मेरा सबसे स्ट्रांगेस्ट पोकेमन सिंड्रेस लेकिन सिंड्रेस का भी अभी देख सकते हो एच पी बार बहुत कम है यार मेरे को पोकेमन सेंटर जाना था लेकिन मैं भूल गया था पोकेमान सेंटर जाना बट इट इज़ ओके गाइस मैं आप सभी भाइयों को अभी दिखाने वाला हूँ पायरो बॉल ठीक है ओके अरे वाह गाइस ओ रे वाह ये देख सकते हो ये देख सकते हो ये देख सकते हो मैस् रोनाल्डो का आत्मा घुस गया है और देख सकते हो एक लेवल 50 स्टिलिक्स को कितना डैमेज दे दिया गाइस लेवल 50 का स्टिलिक्स है गायस स्लैम यूज करा अब देखते हैं गैस कमान कमान कमन सिंड्रेस तुम कर सकते हो ये बॉय ये बॉय अब देखते हैं गैस दूसरे मूव में इसको उड़ा पाएंगे कि नहीं मैं एक काम काटा गाइस इसके ऊपर दोबारा से पायडोबॉल यूज करते हैं एंड इसको एक ही फटके में उड़ाएंगे ठीक है मुझे अपने सिंड्रेस पर पूरा भरोसा है कि वो हरा देगा ओके ओ मैं डबल किक भी यूज़ कर सकता हूँ गैस फाइटिंग टाइप मूव चलो डबल किक ही यूज़ करते हैं ठीक है कमान सिड्रेस तुम कर सकते हो अरे नहीं 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 होगा गाइस डबल किक से इसको कुछ नहीं होगा पायरो बॉल एक बहुत स्ट्रांग मूव है ना तो पायरो बॉल से इसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता बट इट इज़ ओके गाइस दोबारा से ये स्लैम यूज़ कर रहा है ना ओ सिर्ड डी अटैक ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी ओ पी सिंड्रेस का भी हेल्प बहुत ज़्यादा कम हो गया है गाइस बहुत ज़्यादा कम हो गया लेकिन मैं इस बार स्टेलिक्स को आराम से हरा पाऊँगा इस बार स्टेलिक्स को ठीक है तो एक काम करने गाइस फ्लेम चार्ज यूज़ कर दे ठीक है क्योंकि पायरोबॉल का जो पीपी -पी है वो सिर्फ दो ही बचा है तो एक बार अभी मुझे इन दोनों को मेरे टीम को हिलाप कराना पड़ेगा ओके गाइस फाइनली मैंने स्टिलिक्स को हरा दिया है गाइस मजा आ गया अभी देखते हैं एक्सपी किसको कितना मिला एक्सपी देखते हैं ओके गाइस सिंड्रेस को सबसे ज़्यादा एक्सपी मिला गाइस वन ओके गाइस गाइज मैं अभी एक चीज़ देखने वाला हूँ क्या मैं इस घेरा को ला सकता हूँ अपने पास ओके लेके आ गया गाइस देखते हैं इसका लेवल देखते हैं अभी ठीक है स्ट्रॉन्ग लुकिंग गर्डोस है गाइस अगर पकड़ पाते हैं तो बहुत बढ़िया गाइस देखते हैं इसका लेवल कितना होगा गाइस अगर 35 से नीचे होगा तो इसको पकड़ सकते हैं गाइस ओह मैस इंड्रेस को क्यों भेजा इसके सामने यार ओ भाई ओ भाई लेवल 56 का है ओह भाई मैं गया गाइस मैं गया मैं गया मैं भागने का कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने क्यों पंगा ले लिया यार बाप रे क्या ही डैमेज दिया यार क्या ही डैमेज दिया यार चलो यार इसने मारा तो मैं भी काउंटर यूज़ करता हूँ गाइस

आई एम सो सॉरी यार मेरे को ग्यारडोस के साथ गाल लेना ही नहीं चाहिए था यार ढटे डी गलत कर दिया यू गॉट अवे सेफली यार बहुत ही गलत सीन कर देता हूँ कभी कभार बहुत ही गलत डिसीजन ले लेता हूँ गैस बहुत ही गलत डिसीजन ले लेता हूँ एंड गैस देख सकते हो तो ये है अपना जा टू एंड मुझे अभी जाना है नीचे तो नीचे जाने का रास्ता कौन सा ओके डैट वन इज द रोड ओके लच गो लज गो लज गो लज गो लज गो लज गो एंड गायस हम हम लोग अभी जा रहे हैं गाइस हमारे लोग जा रहे हैं गैस ठीक है guys, अरे बाप रे कितने सारे मैचशॉप्स है यार एनकाउंटर नहीं करना है ओके मैंने एनकाउंटर कर ही लिया एक मैचॉप को ओके कोलहसल आ गया है अभी कोलहसल वर्सेस एक छोटा सा मैचशॉप होगा लेवल 16 का है। इसको हरा के जाएंगे गाइस इसको हराते ही जाएंगे क्योंकि गाइस थोड़ा सा एक्सपी पॉइंट्स मिलेगा ना गाइस एक्सपी पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरुण जरूरत है मुझे ओ लेवल 16 का है लेकिन इसने मेरे फ्लेम चार्ज को झेल लिया गाइस ओके इसने मेरे को काउंटर अटैक भी दिया वाह वाह ब्रो नाइस वन मैं दोबारा सा फ्लेम चार्ज यूज़ कर रहा हूँ और इस बार ये ख़त्म हो जाएगा यस गैस यस गैस थोड़ा सा एक्सपी मिलेगा इतना तो एक्सपी नहीं मिलने वाला कितना मिला देखते हैं चलो गैस सेवेंटी एट फोर्टी एट ओके ओके ठीक है ठीक है गैस थोड़ा थोड़ा सा एक्सपी भी चलेगा गैस लेकिन एक्सपी चाहिए ठीक है गैस देख सकते हो ये मच्छो है एंड मैं सही दिशा में जा रहा हूँ ना आई थिंक आई एम ओ नहीं नहीं मैं गलत दिशा में जा रहा था आई एम टेकिंग द रॉन्ग रोड गाइज रॉन्ग रोड मतलब इधर तो रास्ता ही नहीं है तो कैसे जाएंगे गाइस ओके ब्रिज को लेना पड़ेगा ओके यहाँ पे स्टंकी का इवोल्यूशन फॉर्म है ना स्टंकी का इवोल्यूशन फॉर्म का नाम क्या था किंगलर भी है गाइस अपना किंग लर भी है ना गाइस आप सभी भाइयों ने उस दिन बोला था कि मेरा साइकिल तो पानी में भी चलेगा बट कहाँ पे गाइस ये देखो कैसे जा ही नहीं रहा है पानी में ये देखो पानी में कैसे जाएगा कोई स्विच बटन वतन है तो बोलना बटन है तो मेरे को बोलना जरूर मैं देखूंगा ठीक है एंड गाइस यहाँ पे तो स्नो पर रहे हैं यार ओ वाह वाह गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक विशार्फ है गाइस ये काफी स्ट्रॉन्ग पोखमान है काफी स्ट्रॉग पौकेमान है गाइस काफी स्ट्रॉन्ग पकमान एंड आप सभी को तो पता है इस पौकेमान के बारे में ओके okay, तो लेट्स गो लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस हम लोग को जंगल एरिया को एक्सप्लोर करते हुए जाना है वाओ गाइस गाइस नाइट मेरा भी कॉर्वी स्क्वायर ये बदल इसमें बदलने वाला है अरे लेवल थर्टी एट में तब्दील होगा कॉर्विन नाइट में ओके गाइस ओके तो यहाँ पे बैरी ट्री भी है तो मुझे अभी ये वाला ब्रिज पकड़ना पड़ेगा लेट्स गो ओके थोड़ा सा वाट ले ही लेते हैं गाइस वाट चाहिए मेरे को वाट लगा देंगे फिर <laughs> कुछ भी कुछ भी बोलता हूँ गाइस में कभी कभार कुछ भी कभी कभार नहीं आजकल तो फ्रिक्वेंटली uh, बोलता हूँ फालतू की चीजें मुंह में जो राइम आ जाता है वही बोल देता हूँ गाइस राइमिंग वर्ड जो भी आ जाता है वही बोलता हूँ एंड गाइस ये स्कॉर्पियन था ना स्कोरूपिया स्कॉर्पियन था लेकिन इसका इवल, इवल, लेवल कितना हो सकता है गैस मेरे को एक बार देखूँ क्या चलो एक बार देखते हैं गाइस स्कॉर्पियन था शायद से ये स्कॉर्पियन था क्योंकि इसका छोटा वाला, वाला फॉर्म का नाम और ड्रेपियन ड्रेपियन यस यस इसका छोटे वाले फॉर्म का नाम स्कोरूपिया कुछ था गाइस ये काफ़ी औसम पुकेमान है गाइस ओके ड्रेपियन लेवल फोर्टी का है तो शायद से आई थिंक आई थिंक आई कैन डिफीट हिम टॉक्सिक क्यों यूज करते हो यार पॉइसन करा देता है यार तेरी पॉइजन हो गया ना अब मेरा कोलोसल ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मतलब इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ा गैस अभी मुझे पॉइजन से डैमेज मिलता रहेगा गैस एनसीन पावर यूज़ करते गैस पिन मिसाइल यूज़ कर रहा है ये मेरे ऊपर मेरे को पिन मिसाइल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ब्रो लेकिन कितना बार यूज करेगा ये ओह तीन बार यूज़ कर डाला इसने पिन मिसाइल ओह फोर टाइम अरे वाह इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव लेकिन ओके okay, लेकिन मुझे पॉइजन से ज़्यादा डैमेज मिलेगा ओके एनसीन पावर यूज़ कर रहा हूँ कमन कोलस्ट्रेल इसको हराओ हाँ फटका पड़ा लेकिन इतना भी नहीं जितना पड़ना चाहिए था उतना भी नहीं पड़ा लेकिन पॉइजन से मेरे को बहुत ज़्यादा अभी बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा गाइस देखो ब्रो अभी ग्राउंड टाइप मूव यूज़ करना पड़ेगा लेकिन मेरे पास ग्राउंड टाइप मूव है ही नहीं दोबारा से क्यों टॉक्सिक यूज़ कर रहे हैं ब्रो मैं ऑलरेडी पॉइजन हूँ कितना बार पॉइजन कराओगे भाई कितना बार पॉइजन कराओगे मैंने भी इसके ऊपर छोड़ दिया है टार शॉट भाई मैं फायर मूव अगर यूज़ करूंगा तो इसको डैमेज मिलेगा लेकिन ठीक है तो चलो गाइस एक काम करते हैं इंसिनरेट यूज़ करते हैं पिन मिसाइल दोबारा से यूज़ कर रही है मेरे कोलोसेल को ये हरा देगा क्योंकि इसने ऑलरेडी टॉक्सिक यूज़ कर डाला ना अब देख सकते हो गैस अब देख सकते हो इसको पड़ा ना सुपर इफेक्टिव पड़ा ना क्योंकि मैंने टार शॉर्ट यूज़ करा था ना तो इसलिए इसको सुपर इफेक्टिव पड़ा ओके गैस दोबारा से मैं यूज़ करने वाला हूँ इंसिनरेट मेरा कोलोसेल गैस डिफीट हो जाएगा हंड्रेड परसेंट डिफीट हो जाएगा गाइस पॉइजन बहुत ज़्यादा डैमेज देता है गैस गया, गया ये गया शायद से अरे नहीं यार अगर मैं इसको हरा देता तब मज़ा आता लेकिन कोलोसल नहीं हरा पाएगा शायद से अभी हो जाएगा डिफ़ीट ये देखो गाइस ये देखो गाइस फेंट हो गया ना ये देखो सिर्फ और सिर्फ पॉइजन के कारण ही इधर मैं डिफीट हुआ हूँ गाइस चलो नो प्रॉब्लम गाइस नो प्रॉब्लम गाइस नॉट ए प्रॉब्लम अभी स्क्वायर को भेजने वाला हूँ क्योंकि मुझे कॉर्विश स्क्वायर को आज जल्द से जल्द इसको बनाना है गैस कॉर्वीनाइट ठीक है एक प्रॉपर डार्क टाइप आपके आ जाएगा फिर ओके लेट मी यूज़ गाइस प्लक प्लक यूज़ करते फ्लाइंग टाइप मूव यूज़ करते चलो कितना डैमेज मिलता है देखते हैं फ्लाइंग टाइप से इतना डैमेज नहीं मिलता है क्रॉस पॉइजन यूज़ करा पॉइजन टाइप मूवीज़ क्यों यूज़ करते हैं ब्रो क्यों पॉइजन नहीं हुआ लेकिन गाइस चलो गाइस फ्यूरी अटैक यूज़ करते हैं नॉर्मल टाइप मूव यूज़ कर रहा हूँ ठीक है ओके okay, ये ख़त्म हो जाएगा गाइस ये खत्म हो गया यस yes गाइस मैंने ड्रापियन को हरा दिया guys. लेकिन इसने मेरे पोकेमंस को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया guys. मेरे पोकेमेंट्स को बहुत ज़्यादा डैमेज दिया अभी देखते हैं एक्सपी पॉइंट्स कितना मिला ओके गाइस एक्सपी पॉइंट्स तो काफ़ी मिला लेकिन हाँ काफ़ी एक्सपी पॉइंट्स मिला गाइस चलो guys. इधर से निकलते हैं Oh, वेट, वेट 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 guys. बैग में जा कर देखना पड़ेगा मेरे पास ओह नहीं है गाइस लेकिन पोशन ही यूज़ कर लेते हैं गाइस पोशन ही यूज़ करते कॉर्वी स्क्वयर के ऊपर देख सकते हो यार मेरे दोनों के दोनों पोकेमन्ट्स अभी फ़ेंट हुए हैं सिंड्रेस और कोलोसेल दोनों को रिवाइव कराना पड़ेगा बट मेरे पास अभी कोई रिवाइव वाला चीज़ है ही नहीं मेडिसिन है ही नहीं तो मुझे अभी पुखीमन सेंटर ही जाना पड़ेगा गाइस चलो गाइस पुखीमन सेंटर ही चलते हैं मैं अभी राइट लोकेशन पे आया हूँ ना एक मिनट पहले देख लेता हूँ टाइम मैप ठीक है ओके गाइस मैं राइट लोकेशन पर ही आ रहा हूँ तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा गाइस इस रूट को पकड़ते हुए ऐसे क्रॉस करते हुए एंड सीधा हेमा मैं सीधा हेमालॉक भी जा सकता था आई डोंट वांट टू डू फास्ट ट्रेवल ठीक है आई वांट टू एक्सप्लोर दी वाइल्ड एरियाज सो मैं वाइल्ड एरिया को एक्सप्लोर करते हुए जाऊंगा एक मिनट ओके okay. चलो गाइस वाइल्ड एरिया को एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं ओके गाइस ये देख सकते हो गाइस कीचड़ पकेमान इसको लोग कीचड़ पकेमान ही बोलते हैं बट इसका नाम कुछ अलग था गाइस वाब अफेद है यहाँ पे ओके okay, तो मुझे इस तरफ से जाना पड़ेगा लेट्स गो अरे एनकाउंटर नहीं करना था क्यूटी फ्लाई क्यूटी फ्लाई आ गया है सामने बट क्यूटी फ्लाई मुझे जाना पड़ेगा लेकिन क्यूटी फ्लाई तुम मेरे सामने आए हो तो मैं तुमको कैसे हरा सकता हूँ तुम्हारा लेवल ट्वेंटी नाइन का है मैंने तुमको बहुत लाइटली ले लिया था मुझे लगा तुम लेवल टेन या इलेवन का होंगे बट यू आर लेवल ट्वेंटी नाइन तो चलो गाइस ट्रेनिंग किस यूज़ करा इसने मेरा हेल्थ ले लिया यार और बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा इसलिए नेवर अंडरस्टिमेट योर एनिमी ठीक है अपने एनिमी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए मैंने क्यूटी फ्लाई को देख के अंडर एस्टिमेट कर लिया था मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और देखते औरराबिम से इसको कितना डैमेज पड़ेगा इतना डैमेज नहीं पड़ेगा गाइज इतना डैमेज तो नहीं पड़ेगा क्योंकि आई थिंक uh, क्यूटी क्यूटीफ्लाईज ग्रास फाइ टाइप का मन राइट तो गाइज़ दोबारा से यूज़ करते ट्राई अटैक और शायद से इस बार मैं क्यूटी फ्लाई को उड़ा पाऊंगा यार सान क्यों यूज़ कर डाला यार पैरालाइज हो गया ना अभी मेरा शेल्डर यार चलो शल्डर टूम यूज कर पाओगे ट्राई अटैक मुझे पता है इसको हराओ शल्डर टूम दिखा दो तुम क्या चीज़ हो यस yes, गाइस हरा दिया यार एक्सट्री पॉइंट तो एटलीस्ट मिलेगा ना तो गाइस मुझे फटाक से अभी पोकेमॉन सेंटर जाना है ठीक है फटाक से अभी पोकेमॉन सेंटर जाना है गाइस आप लोग पीछे की तरफ देख पा रहे हो वहां पे एक डार्क टाइप लाइन उन है ये लाइन कितना फास्ट तरीके से मूव कर रहा है ये बापरे ओके okay, गाइस ओह वाट मिल गया गाइस तो वाट ले ही लेते हैं गाइस 50 वाट्स मिल चुका है लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड ये पोकेमान है क्या ओ नहीं नहीं ये है लेकिन ये देख सकते हो oh, ये स्कोवेट का इवोल्यूशन फॉर्म है गाइस वहाँ पे हम लोग डायनामिक्स बदल कर सकते हैं डायनामिक्स बदल करो क्या ओ oh, गाइस बेल्टॉय का इवोल्यूशन फॉर्म भी है नहीं नहीं अभी सीधा हम लोग एक डायनामिक्स बदल करके ही जाएंगे ठीक है एक डायनामिक्स बेटल तो बनता है ना बॉस एक डायनामिक्स बेटल बनता है बॉस और डेफिनेटली एक डायनामिक्स बदल तो करेंगे ही गाइस सिंड्रेस को ही लेते हैं गाइस चलो लेकिन सिंड्रेस तो फेंट है कैसे ज्वाइन कर पाएगा आई थिंक आज डायनामिक्स बदल में फेंट है वो सब चीज़ें नहीं देखते हैं ओके 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 गाइस अभी आप लोग देखने वाले हो बिनेकल <laughs> ये किस टाइप का पुकेमान है गाइस चलो इस पोकीमॉन के बारे में तो हम लोग जान लेंगे लेकिन आप लोग अभी देखने वाले और दुनिया का सबसे बड़ा पायरो बॉल क्योंकि अभी मैं इसको डायनामिक्स फॉर्म देने वाला हूँ एक महीने व्हाट इज दिस गाइस ये किस टाइप का पोकी बॉल था यह पोकीमॉन है गाइस पता नहीं ये क्या था गाइस चलो गाइस यूज़ करते हैं डायनामैक्स एंड अभी मैं यूज़ करने वाला हूँ मैक्स प्लेयर मैक्स प्लेयर मतलब एक बहुत बड़ा अभी पायरो बॉल आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है बहुत बड़ा पायरो बॉल और एक ही पायरो बॉल से शायद से मैं इसको उड़ा पाऊंगा लेट्स से क्या होता है गाइस जाओ सिंड्रेस जाओ दिखा दो कि तुम क्या चीज हो और बापरे अभी आप लोग देखना कैसे ये नील डाउन मतलब नील डाउन होकर कैसे एकदम रोनाल्डो की तरह करेगा ये देख सकते हो ना रोनाल्डो की तरह लग रहा है ना जब रोनाल्डो गोल कटा है तो ऐसा ही हरकत करता है गाइस ओके तो गाइस सिंड्रेस अभी यूज करने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा पायरो बॉल ये देख सकते हो बाप रे खत्म शायद से अरे कुछ भी नहीं यार कैसे कौन से टाइप का ग्राउंड टाइप का होगा शायद से ग्राउंड रॉक टाइप का होगा क्या इसका क्लॉथ देख के थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि ये ड्रैगन टाइप का है क्या नो नो ड्रैगन टाइप का नहीं है कुछ अलग ही टाइप का पकेमान है ये ये गाइस रॉक टाइप का होगा येस गाइस अरे यार सुपर इफेक्टिव परा यार मेरे ऊपर इतना बड़ा वाला पत्थर फेंक दिया इसने ओके गाइस आ गया है सेंसट्राम सेंट्रॉम आ गया अभी सेंस्ट्राम से डैमेज मिलता रहेगा मेरे को एक्वाटेल यूज करा इस पकेमान ने इस पोकेमान को आप लोगों ने देखा ना कैसे ये निकल के आया था पोकीबॉल के बाहर ओके okay, पे भी है ओके okay, गाइस मैं यूज करने वाला हूं अभी मैक्स नकल यूज करते हैं बिना कैल के ऊपर ठीक है uh, चलो मैक्स नकल यूज करते हैं एंड आई थिंक आई विल कैच दिस पोकेमान ठीक है इस पोकेमान को मैं पकड़ने वाला हूँ ओके okay, लगा इसको ओके okay, ओके okay, मैंने डिफीट कर दिया शायद से यस yes बॉय मैंने डिफेट कर दिया बीनेकल को मुझे इसका टाइप जानना है इसलिए डेफिनेटली आई विल कैच हिम गाइस ओके थ्रो है पुकीबॉल नाउ ओके कैच करते हैं गाइस यूज करते हैं पुकीबॉल ओके okay. देखना है इसका टाइप ये कौन से टाइप का पोकेमान है बीनेकल राइट right? स्ट्रॉन्ग पुकेमान होगा शायद से गाइस स्ट्रॉन्ग पोकेमन ही होगा इसका इवोल्यूशन फॉर्म भी मैं चेक करूंगा जरूर से चेक करूंगा ठीक है एंड ये रॉक टाइप पोकेमान जैसा ही लग रहा है रॉक या ग्राउंड टाइप में से ही एक टाइप होगा इसका देखते हैं

सिंपल uh, बात नहीं होगा गाइस सेंड टू बॉक्स घंटे अभी के लिए इसको लेकिन मैं ले सकता हूँ गाइस बाद में जाकर के मुझे इवोल्यूशन फॉर्म इसका चेक करना पड़ेगा ठीक है तो गाइस मैं कहाँ पे जा रहा था हैमर लॉक राइट तो हैमर लॉक के लिए ओके हैमर लॉक के लिए मुझे यही रास्ता पकड़ना पड़ेगा लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो बड़ी ओके गाइस देख पा रहे हो यहाँ पे मच्छौक घूम रहा है एकदम खुलेआम घूम रहा है मच्छौक ओके गाइस इधर हम लोग को शायद से ऑनिक्स भी देखने को मिलेगा ओ वाओ गाइस डेफिनेटली आई कैच हिम बिकॉज रायडाउन तो आप लोग को याद होगा ना मेरा प्यारा राइड चलो गाइस चलो देखते हैं कैसे कितने लेवल का है वो देखते हैं अगर कम लेवल का होगा डेन डेफिनेटली आई ट्राई टू कैच हिम ठीक है <laughs> रायडॉन यार कैसे भूल सकते हो आप लोग अगर मेरे को फॉलो कर रहे हो एकदम पहले से रायडॉन मेरा वन ऑफ माई फेवरेट पुकेम था लेट्स गो पिकच यू में ठीक है इसके ऊपर क्या है पायरो बॉल यूज़ करेंगे तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं चलो काउंटर यूज़ करे रॉक ब्लास्ट यूज़ करा गाइस इसने मेरे ऊपर क्या ही डैमेज दिया भाई डैमेज अरे ये खत्म ही कर देगा गाइस मेरे को वन शॉट बोलते ये ओपन पोकेमोन है फिर भी मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ वन शॉट बोलते बिकॉज रॉइडन का एक एक हैबिट है कि सबको वन शॉट ही ये देता है हराता है तो रायडाउन के अगेंस्ट अभी मुझे भेजना पड़ेगा अपने शेल्डर को क्योंकि शेल्डर कुछ कर पाएगा क्योंकि ये एक वाटर रॉक टाइप पोकेमोन है तो शेल्डर यार प्लीज़ तुम करके दिखाओ यार अगर इसको हम लोग पकड़ लेते हैं तो गाइस बहुत ही बढ़िया होगा गाइस वर्ल्डपूल यूज़ करते हैं रॉक टाइप है तो फर्क तो इसको बहुत ज्यादा पड़ने वाला है और ये ट्रैप हो जाएगा गाइस हे, हे 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 कैसा लगा राइड लगा ना अब ये ट्रैप हो जाएगा गाइस वोटैक्स में ओके टेक डाउन यूज करा मेरे ऊपर शायद से मैं फेंट हो जाऊँगा जाऊंगा उपरे क्या ही बचा यार क्या ही बचा देखते हैं इसको कितना फर्क पड़ा ट्रैप से और गाइस right अभी एक चीज़ करके देखने वाला हूँ मैं पुकीबॉल फेंक के देखने वाला हूँ कि ये गर्ट डाउन करके रखा है कि नहीं आई थिंक अपने आपको ये प्रोटेक्ट करके ही रखा है येस गाइज यू कैन थ्रो ए पुकीबॉल इट ओन लेट्स इट्स गर्ट डाउन तो गाइज चलो इसको हराना ही पड़ेगा अभी हराने के अलावा और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं तो वर्ल्डपूल यूज़ करते हैं यस यस ओके देखते हैं अभी राइड ऑन तो मेरे को हरा देगा गायज स्ट्रॉम यूज़ करके हरा देगा ये yeah, गाइज हरा दिया ना यार राइडन ने मेरे दो दो पोकेमेंट्स को दो दो पावरफुल पोकेमान्स को हरा दिया गाइस यूज़ नेक्स्ट पोकेमान करते हैं दो दो पोकेमान्स मेरे फेंट हुए तो डेफिनेटली इसको तो हरा के ही छोड़ेंगे गाइस डेफिनेटली अभी मेरा सबसे फेवरेट घोस्ट टाइप पोकेमान को भेजने वाला हूँ मेरा सबसे फेवरेट घोस्ट टाइप पोकेमान बनने वाला है एक्चुअली गैंगर बनने वाला है बट ये एक ही है ना गाइस गैसली हॉन्टर गैंगर एक ही है हैक्स यूज़ करते हैं इसके ऊपर चलो गाइस हैक्स यूज़ करते हैं फटका दो दो इसको फटका दो गया गाइस इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार बहुत ज़्यादा पसंद है ये पोकेम हॉन्टर गैंगर गैसलीके गाइज okay, हॉन्टर अप हो चुका है लेवल थर्टी फाइव हो चुका है एंड कॉर्वी स्क्वायर लेवल थर्टी सिक्स का हो गया गाइस एक चीज़ देखेंगे ठीक है मैं कॉर्वी स्क्वायर को अभी अप करा पाऊंगा कि नहीं लेट मी फाइंड आउट क्योंकि मेरे बैग में एक चीज़ है आप लोग को दिखा देता हूँ ये देख सकते हो गाइस मेरे पास बहुत सारे एक्सपी कैंडी एस है ये डायनामिक्स बदल जब करोगे तब ये मिलता है गाइस ठीक है तो किसके ऊपर यूज़ करेंगे गाइस डेफिनेटली आई विल यूज़ इट ऑन कॉर्वी स्क्वायर ठीक है अच्छा पाँच यूज़ करते हैं देखते हैं लेवल थर्टी का होगा कि नहीं लेवल थर्टी अगर बन जाता है ओके बस वन मोर लेवल चाहिए और ये कॉर्वी में बदल जाएगा गाइस तो डेफिनेटली और तीन यूज़ कर देते हैं गाइस और टीन यूज़ कर देते हैं ओ और शायद से दो यूज़ करते ही ये कॉर्वी में बदल जाएगा लेट्स सी यस गाइस लेवल थर्टी हो गया एंड डेफिनेटली ही विल इवॉल्व नाउ डेफिनेटली ये इवॉल्व हो जाएगा ये देख सकते हो गाइस मज़ा आने वाला है गाइस कॉर्वी नाइट फाइनली ये बनने वाला है गाइस काफी बड़ा बन जाता है गैस कॉर्फी नाइन काफी बड़ा पोगे है देख सकते हो गैस देख सकते हो क्या ही औसम दिख रहा है ना भाई आई थिंक ये स्टील फ्लाइंग बन जाएगा ना अभी स्टील फ्लाइंग? नो 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 स्टील फ्लाइंग नहीं इसका टाइप देखते हैं गैस फ्लाइंग स्टील यस 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 फ्लाइंग स्टील ही बन जाता है क्योंकि मेरे को क्यों लगा ये फ्लाइंग स्टील बन जाता है पता है क्योंकि इसका मतलब कैरेक्टर देख के इसका मतलब लुक को देख के मुझे लग रहा था कि ये स्टील टाइप स्टील uh, फ्लाइंग टाइप बनेगा देख सकते हो गैस इसके सीर के ऊपर देख सकते हो कैसे नाइट की तरह एक स्टील आर्मर बन के आ गया है ओके गाइस इसका हाइट देख सकते हो गायस साठ फुट का है गायस साठ फुट का भाई अमिताभ बच्चन से भी बड़ा है भाई साठ फुट का ओके बापरे गाइज ओके कॉर्विनाइट वॉन्ट्स टू लर्न द मूव स्टील टीच हिम स्टील विंग ठीक है सिखा आपने कॉर्विनाइट को स्टील विंग तो कौन से मूव फॉर डो, डो फ्लाइंग टाइप मूव्स नहीं चाहिए तो प्लग को हटाते हैं गाइस ठीक है प्लग को हटाते हैं और उसका जगह मैंने स्टील विंग को रख दिया है वन टू एंड यस गाइस सीख गया है कॉर्वीनाइट भूल चुका है प्लग और सीख चुका है गाइस स्टील विंग मजा आ गया गाइस तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लॉक ओ वेट ए मिनट गाइस यहाँ पे ये पकमान कौन सा है ये क्या पैकेमान है चलो देखेंगे ये क्या पकेमान है लेकिन पहले तो लॉक में घुसते हैं लेकिन लॉक में घुसने का जगह कहाँ है गाइस इज द एंट्रेंस ओके वो हाई एंड गाइस ये तो ड्रैगन जैसा लग रहा है भाई ये क्या है ये ड्रैगन शहर है क्या गाइस ये देख सकते हो इसका लुक देखो ना गाइस एक मिनट एक मिनट थोड़ा सा पीछे से दिखाएंगे आप सभी को ठीक है वैसे पीछे से होके दिखाएंगे एंड नाउ यू कैन सी गाइस दिस इज लुकिंग लाइक ए ड्रैगन केव ये ड्रैगन केव का एंट्रेंस ऐसा लग रहा है चलो गाइस घुसते हैं आह ए जिम चैलेंजर अलाउ मी टू चेक योर जिम बैच ओके द ग्रास बैच ओके चेक कर द वाटर बैच ओके एंड द फायर बैच चेक ओके okay, अभी मेरे को ये क्वेश्चन नहीं देगा इट्स कॉन्फर्म दैट यू हैव डिफीटेड थ्री जिम लीडर्स इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ मोडोस्टॉक लीडर ऑफ मोडोस्टॉक गाइस कौन है बताया कबू कबू बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग है एंड कबू को बहुत सारे जिम लीडर्स रेस्पेक्ट करते बिकॉज ही इज सच से स्ट्रॉन्ग जिम लीडर ठीक है ओके okay, आ गया है ये बेडे सारा घमंडी कहीं का इसको मैंने दो दो पार हराया है guys. तो ये जब हारता है तो यही बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो इसलिए तुमको एक चांस दे दिया जीतने का अच्छा और इस इसके साथ हॉप का भी फाइट हुआ था रिसेंटली गाइस इसने हॉप को भी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दिया था तो क्या बोल रहा है लेट्स रीड गाइस ओ इट्स इट्स यू आई डाउट हॉप विल बी कमिंग ओके ओके आफ्टर सच ह्यूमिलिएटिंग रहे हैं नो वे ही कुड लुक द चैंपियन इन द आई अच्छा गाइज बेडे ने शायद से हॉप को हरा दिया होगा आई एम श्योर ही विल विदड्रॉ फ्रॉम द चैलेंज ओ लेकिन कैसे गाइस बेडे ने कैसे हरा दिया हॉप को हॉप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अरे यार बेडे ने हरा दिया यार हॉप को ये जस्ट लुक एट अ जिम बैजेस आई हैव ऑलरेडी वोन ओके तो ये भी अपने जिम बेजेस को चेक करा रहा है लेकिन बेडे ने हमको कैसे हरा दिया गाइस ये मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा है आई डोंट नो गाइस थैंक यू चैलेंज बेडे आई कैन कंफर्म यू हैव द रिक्वर्ड बेजेस ओके अब बेडे कुछ बोलने वाला है एनी वे आई है मीटिंग विदरमैन सो आई मस्ट एक्सक्यूज माई सेल्फ भाग ले यार तेरे साथ बात करना कौन चाहता है भाई भाग ले ये अपने इतना एटीट्यूड फालता रहता है चेयरमैन रोज के साथ ये है वो है एंड गाइस रोज इसका नाम भूल भी चुका था ठीक है तो गाइस मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए गाइस देख सकते हो गाइस ये हैमर लॉक गैस हम लोग हेमरलॉक में फाइनली एंटर हो चुके हैं गाइस ओ वाओ गाइस क्या ही खूबसूरत है ना गाइस क्या ही खूबसूरत लग रहा है देख सकते हो गाइस हैमर लॉक वाव गाइज ओ गाइस ये काफी बड़ा है यार ऐसा लग रहा है ये कासल है ये गैस एक बहुत बड़ा कासल है अरे बाप रे गाइस स्ट्रक्चर्स देख रहे हो गैस ये देख सकते ड्रैगन का मूर्ति भी है इधर ओह वाह गाइज आई थिंक ये किंग का प्लेस होगा ना गैस आई थिंक ये किंग का प्लेस होगा ओके गाइज तो इधर कोई तो है ओके रोज़ है ओलिनिया है ओलिनिया सेक्रेटरी है रोज़ का तो रोज़ का पेट निकला हुआ है देख सकते हो आई हैव बेन कलेक्ट इन बोझ विशिंग स्टार्स एंड जिम बैजेस एज फास्ट एज आई कैन एंड गाइज आप लोग को एक चीज़ पता है ये विशिंग स्टार्स कलेक्ट कर रहा है एंड विशिंग स्टार्स से डाइनामिक्स पेन्स बना सकते हैं तो ये रोज़ के लिए वो सब कर रहा है तो गाइज़ रोज़ के दिमाग में बहुत ज़्यादा शैतानी प्लान चल रहे हैं आई डोंट नो क्या चल रहे हैं ठीक है आई एम ग्लैड यू हैवन प्रोगट एन डैट इट वॉज द चेयरमैन हुडोर्स यू ओके तो ये याद दिला रही है ओलिनिया बेडेको कि भूलना मत और ये तुम कर रहे हो विशिंग स्टार्स कलेक्ट कर रहे हो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि चेयरमैन रोज ने तुमको एंडोर्समेंट लेटर दिया था एंडोर्समेंट लेटर मतलब जिसको दिखा के हम लोग जिम चैलेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं ठीक है ओके अब देखते हैं चेयरमैन रोज क्या बोलते हैं ओ ओ इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी इट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ द होल कला रीजन ओके एंड वी विल नीड मोर देन जस्ट विशिंग स्टार्स वी नीड ए पावरफुल पोकेमान ट्रेनर टू सम वन लाइक द चैंपियन ओके तो ये रोज़ कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रहेगा इस कुछ ना कुछ बहुत गंदा प्लान तैयार कर रहा है तो हम लोगों को बाद में जा कर के पता चलने वाला है विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट सर आई वॉज एबल टू शो हॉप वन ऑफ द चैंपियन इंडोर स्ट्रेनर्स जस्ट हाउ आउट क्लास ही वॉस ओ खे गाइज तो ये ये भी बोल रहे हैं रोज़ के पास आकर के कि मैंने हॉप को जो चैंपियन लिया उनका भाई है उसको सबक सिखा दिया कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और वो कितना ज़्यादा बेकार है ठीक है वो चैंपियन का भाई कहलाने का लायक है नहीं भाई हॉप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तू जैसे तैसे जीता होगा शायद से लेकिन गाइज मैंने बेडा को दो तीन बार हरा दिया है ठीक है ये बेडा मेरे लिए कुछ भी नहीं है ठीक है आई एम श्योर आई विल बी एबल टू डिफीट द चैंपियन नो आई विल डिफीट द चैंपियन ओह तो ये बोल रहे है कि ये चैंपियन लियन को हरा के ही छोड़ेगा चलो ठीक है हरा दे टू लियन को देखेंगे अगर तू हरा पाएगा कि नहीं दैट्स द स्पिरिट इट टेक्स हेल्दी कॉम्पिटिशन टू रियली कीप द जिम चैलेंज एनर्जाइज ओके चैलेंज और बेडा देर इज समथिंग आई विश टू डिस्कस विद यू ओलि कुछ डिस्कस करना चाहता है डू यू हैव हैवे मोमेंट पता नहीं गैस शैटान प्लान डिसाइड करने वाला है कुछ उल्टा सीधा प्लान ओके okay, रोज ने मेरे को देख लिया गैस एंड मैंने सब कुछ सुन भी लिया गैस आई होप यू आर लिसनिंग बोल हाँ मैंने सुना था एज यू नो विशिंग स्टार्स आर डोज मिस्टर स्टोन्स देट आर इवेंट अटैच टू योर डायनामिक स्पेंस रोज अपने आपको बहुत भला इंसान दिखा रहा है बट गायज ही इज नॉट ए गुड गाय यू नो गाइस ये बोल रहे हैं कि विशिंग स्टार से हम लोग डायनामिक्स तो अचीव कर ही सकते हैं लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं ओके दे होल्ड फार मोर एनर्जीडेड ये सुन सकते हो गाइस मतलब विशिंग स्टार्स बहुत ज्यादा एनर्जी होल्ड करते हैं ठीक है ओके इफ यू आर क्यूरियस यू शुड हैड टू द स्टेडियम इनफैक्ट वी शुड हैड इन साइड राइड अवे आई विल इवन गिव यू अ लिटिल लेसन ऑन हाउ द गलार रीजन गेट्स इट्स एनर्जी ओके तो मुझे अंडर जाकर के देखना पड़ेगा कि गलार रीजन को एनर्जी कैसे मिलता है So, चलो देखते हैं पहले तो अपने पोकेमान्स को रिवाइव करा लेते हैं ओके okay, नॉय प्लीज मेरे पोकेमान्स को रिवाइव करा दीजिए प्लीज ओके okay, देख सकते हो अभी मेरा पोकेमोन टीम थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है ये जब हॉन्टर गेंगार में बदलेगा और क्लाइस्टर में बदलेगा मेरा शेलर तब तो और ज़्यादा बढ़िया होगा एंड गाइस मुझे ना अभी बहुत कुछ चीज़ें खरीदना पड़ेगा यहाँ पे पोकी मार्ट है तो डेफिनेटली आई एम गोना बाय सम यूजफुल स्टाफ तो पॉकी बॉल तो अभी नहीं चाहिए ग्रेट बॉल हाँ ग्रेट बॉल खरीद लेते हैं थोड़ा सा आ, दस बारह ग्रेट बॉल खरीद लेते हैं ओके ट्वेल्व ग्रेट बॉल्स सुपर पोशन चाहिए मेरे को एक प्रीमियर बॉल मुझे गिफ्ट में मिला गाइस सुपर पोशन मैं खरीद लूंगा गाइस आई थिंक फिफ्टीन टू ट्वेंटी सुपर पोशन खरीद लेते हैं फोर्टीन थाउजेंड का ठीक है ट्वेंटी सुपर पोशन भी मैंने खरीद लिया एंटीडोज चाहिएगा क्योंकि पॉइजन टाइप पुके बहुत हो सकता है ठीक है रास्ते में बहुत सारे पॉइजन टाइप मिल सकता है तो ओके गाइस एंटीडोज भी खरीद लिया एंड नाउ आई कैन मूव फॉरवर्ड ठीक है तो चलो गायस मूव फॉरवर्ड करते हैं लेट्स मूव फॉरवर्ड ओके गाइस हम लोग आ चुके अच्छा ये गैस जिम है क्या ओ गाइस आई थिंक दिस इज द जिम तो मुझे अभी जिम फाइट करना ही पड़ेगा शायद से आई डोंट नो गाइज मैं जस्ट बोल ही रहा हूँ ठीक है नाउ हैव अ लुक एट माई टैबलेट आई हैव गट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड ऑन इट ओके अभी हम लोग चेक करने वाले रोज़ का टैबलेट वो देख सकते हो रोज़ का टैबलेट रोज ये सब करता है मतलब सी एंड ईजी टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनर्जी प्लान ओके तो आप लोग पढ़ पा रहे हो फर्स्ट एनर्जी इज एब्सॉर्व फ्रॉम हेमारलॉक स्टेडियम टावर तो हेमारलॉक स्टेडियम के टावर से एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं ओके देन इट चेंज इंटू इलेक्ट्रिसिटी इन द अंडरग्राउंड पावर प्लान एंड डिलीवर्ड टू पीपल थ्रू द रीजन अच्छा पहले uh, जो हेमारलॉक स्टेडियम के ऊपर जो एक टॉप है उसमें एनर्जी कलेक्ट होते हैं फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होकर सारे शहरवासियों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ठीक है ओके मुझे समझ में आ गया Our lives and society requires various types of energy sources, such as electricity, natural gases, and water, okay? My associate group's aims to improve everyone's lives by harnessing uh, the power stored in here. Body is a very businessman, guys. Wishing stars. Stored in wishing stars. Achha, wishing stars se ye power wishing stars. Pus oh, it's time for me to get to work. I should get a move on before Olinia decide to give me another earful, okay? Bolt, I suggest you to head over to the vault next. Just head toward Route 6. रूट सिक्स फ्रॉम द स्टेडियम एंड यू शुड फाइंड अ वॉल्व विद एनी इशूज विदाउट एनी इशूज तो कैसे वॉल्व क्या हो सकता है गाइज यहाँ पर लियोन है यार लियोन है गाइज इधर बोल सिम्स यू आर डूइंग वेल कलेक्टिंग जिम बैटेस हॉप को बहुत देर से नहीं दिखाई यार बट हॉप डि समिंग हैपन विद हिम हाँ यार हॉप को हरा दिया था बेडे ने तो शायद से हॉप बहुत ज्यादा दुखी हो गया है ही वॉज एक्टिंग रियली ऑड वेन आई रैन इन टू हिम ही टूक वन ही टूक वन लुक एट मी एंड इमिडिएटली वॉज लाइक आई एम सो सॉरीली अच्छा हॉप बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहा है बिकॉज ये बेडे से हार चुका है ना हॉप बेडे से हार चुका है इसीलिए साइड से एंड बेडे ने बहुत सारा बात सुना दिया है साइड से हॉप को इट माइट बी द फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड हिम अपोलॉजाइज फॉर एनी थिंग एंड आई हैव नो आइडिया वाट इट वॉज फोर ओके अभी क्या बोलने वाला है मे बी ही इज़ फीलिंग डाउन बिकॉज ही हैज सम हार्ड लॉसेस इन बैटल हाँ वो हार चुका लॉस टू डेट चैलेंज मैं बोलता हूँ ही लॉस टू द चैलेंजर बेडे ओके मैंने बोला ना कि बेडे से हार गया था हॉप तो लियोन बोल रहे हैं कि बट देन देयर नाउ हेयर लेफ्ट टू गो बट बैकअप यू हैव गॉट टू थिंक ऑन वाई इट वॉज यू लॉसड हाँ लियोन बहुत बढ़िया बात किया उसने बोला कि जब तुम किसी ट्रेनर के साथ हारते हो देन यू मस्ट फर्स्ट थिंक कि तुम क्यों हारे हो तुम्हारा वीकनेस क्या है किस चीज़ के लिए तुम हारे हो और उस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए फ्यूचर में ठीक है ओके Uh, blast and look at the time nearly forgot my meeting with the chairman that Olinia really lets me hear it when i'm late now if only i could remember which way to go guy's anyway i would say that you should go and say hello to raihan

आप लोग मेरे को बोलिएगा ठीक है वो रहा रायहन गाइस ये है रायहन गाइस ये है ड्रैगन टाइप जिम लीडर रायहन ओ इफ इज इन द ट्रेनर एंडोर्स बाय द चैंपियन लेट्स सी व्हाट वाज योर नेम अगेन ओके ये मेरा नाम भूल चुका है ओह oh, चेक कर रहा है चेक कर रहा है आ राइट बोल्ड एंड इफ लियोन हिमसेल्फ रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल देन आई गेस यू विल ग्रो इन क्वाइट द ट्रेनर ओके थैंक यू सो मच ऑल द सेम डो एनीवन वेटिंग टू चैलेंज द माइटी टी हैज़ टू प्रूव देयर आप टू ईट by earning सेवन जिम बेजेस फर्स्ट मैंने बोला था ना गाइज सेवन जिम बेजेस जीतने के बाद ही हम लोग रायहान के साथ बैठल कर सकते हैं ठीक है एंड गाइज मेरे को देख के लग गया था कि ये जो शहर है ये रायहान का शहर है रायहान का शहर नहीं मतलब uh, रायहान का जिम इधर ही होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन का जो स्टेचू है वो दिखाई दिया था गाइज ठीक है एंड एंट्रेंस देख के मेरे को लग गया था कि रायहन का जिम इधर ही होने वाला है सो योर हियर टू सी यर ट्रेजर्स आर यू गेनिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोकेमान बाई स्टार्टिंग हिस्ट्री सर्टनली इज इन द आइडिया ओके तो गैस हम लोग शायद से अभी जाने वाले हैं वॉल्ड के अंदर आई लाइक योर स्पिरिट किट फॉलो मी वाई डोंट यू ओके चलो वॉल्ड के अंदर चलते हैं गाइज ओके गैस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे पे तो बहुत सारा चैंपियन ट्रॉफीज़ वगैरह है आई विल इवन स्पेयर यू वन ऑफ माई लीग कार्ड रायहड का एक लीग कार्ड भी मिल गया है गाइज हमें ओके यू पुट द लीग कार्ड इन योर एल्बम ओके ना ऑन यू गो इफ इट्स द वॉल्ट यू वॉन्ट इट्स आप डो स्टेयर अच्छा हम लोग वॉल्ट देखने वाले हैं गाइस चलो गाइज वॉल्ट देखते हैं गाइज वॉल्व देखेंगे गाइस अभी खोलते हैं दरवाजा एंड यस ओके ऊपर आ चुके हैं and शायद से ऊपर ही होगा ओके ओ यू आर अभी रिजन का हिस्ट्री फाइंड आउट करने वाले हैं तो जैसे कि देख सकते हो पिक्चर में क्या लिखा है टू यूथ्स वाचिंग विशिंग स्टार ओके एंड यहाँ पे ए डिजास्टर ऑकर्स द टू बी विल्डर टू यूथ ओके एक डिज़ास्टर हो गया था फिर यहाँ पर दो पोकेमेंट्स आ गए थे पोकेमन से गाइज वो देख सकते हो स्वर्ड और सील द यूथ लुकिंग ऑन एट द स्वर्ड एंड सील डेट स्टॉप द डिजास्टर अच्छा दोनों भाई के पास फिर दो पोकेमेंट्स हो गए थे गाइज स्वर्ड पोकेमान और सील पोकेमान द यूथ बिंग क्राउन फिर दो यूथ क्राउन हो गए थे राजा बन चुके थे गाइज ओके गाइज देख सकते हो गाइज यही है हिस्ट्री गाइज

एंड वट इवेंट कॉज द डार्क डे हाँ गाज ये डार्क डे कैसे हुआ मेरे को तो थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है ये डार्क डे कैसे हुआ है गए स्वर्ड और शील पकेमान आए थे फिर शायद से और कोई दूसरा पकेमान भी आ गया था शायद से लेजेंडरी पकेमान मैं गैस कर रहा हूँ ठीक है थैंक्स फॉर लेटिंग मी बाउंस सम आइडियाज़ ऑफ यू आई थिंक आई हैव गॉट सम थियोरीज नाउ आई एम गोइंग टू रिसर्च द टेप स्टडीज ए टैड मोर बट यू हैव योर जेम चल एंड राइट आई एम चिरिंग फॉर यू सो टेक ए कपल ऑफ दिस आई होप टू सी मोर ऑफ यू इन कुछ मिला गाइस रिवाइव्स मिला थैंक यू सो मच यार रिवाइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है ओके गाइस तो हम लोग इधर से चलने वाले हैं एंड गाइस इधर से जर्नी हम लोग कल कंटिन्यू करने वाले हैं ठीक है एंड गाइस मिलते हैं कल तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो मजे में रहो बाय बाय टेक केयर सायो नारा